यूपी के अयोध्या में सपा बसपा गठबंधन ने एक रैली की। इस मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने स्थानीय लोगों से सपा बसपा के उम्मीदवार को वोट करने की अपील भी की। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जीत के बाद आपको 6000 रुपये प्रति महीने की जगह पक्का रोजगार देंगे। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्थानीय लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नया भारत बनाना है तो पीएम भी नया लाना होगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी पर और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ आपको ठगा है। आप चाहो तो देख सकते हैं कि बीजेपी ने 2014 में जितने भी वादे किए थे उनमें से कितने आज तक पूरे हो पाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 3 ट्वीट किए। इन ट्वीट के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाने पर सवाल उठाया। मायावती का कहना है कि यूपी सहित देश के जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां चुनाव में सरकार मशीनरी का दुरुपयोग चरम पर बना हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।